वेलकम टू माय चैनल आज हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पोलर कर्व से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं फाइंड वॉल्यूम जनरेटेड बाय लैमनी स्केट इक्वेशन इज आर स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कर्ज टू थिट्टा बाय रिवॉल्विंग अबाउट इनिशियल लाइन सेकंड केस थिट्टा इज इक्वल टू पाई बाय टू लाइन एंड थर्ड वन इज टेंजेंट एट दोल लेम स्केट की हमें इक्वेशन दे रखी है हमें ये फाइंड करना है कि जब हमारी ये कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है थिट्टा इज इक्वल टू पाई बाय टू लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है और टेंजेंट एट द पोल के अबाउट रिवॉल्व करती है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना था। है राइट तो हम फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं सबसे पहले इसको करव को ट्रेस करते हैं तो हमारे पास ये इनिशियल लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है वाई बाई ड्रेस तो इसका कुछ इस टाइप से हमारे पास डायग्राम आता है जहाँ पर ये थिट्टाइजिकल टू पाई बाई फोर और थिट्टा इजिकल टू माइनस फाइव बाई फोर वो एज अ टेंजेंट इस करो के लिए वर्क करती है ये थिट्टा इज इक्ल टू तो जीरो डिग्री पर एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट ए पर और थिट्टा इज इक्वल टू तो फाइव बाई फोर पर ये अपनी करो है वो ओरिजिन से पास करती है तो सबसे पहला केस कंसिडर करते हैं इनिशियल लाइन के अबाउट ये हमारी करो जब इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो कितनी वॉल्यूम जनरेट करेंगे वो हमें फाइंड करना है तो जो पर पेंडिकुलर लाइन दैट इज वाई वाई डैस एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो करव जितनी वॉल्यूम जनरेट करेगी उतनी वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड में करव है वो भी जनरेट करेगी दैट मीन्स ये अगर हम राइट हैंड साइड वाली करव की वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो उतनी ही वॉल्यूम लेफ्ट एंड साइड की भी होगी तो इसको निकाल कर टू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगी तो फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया इनिशियल लाइन के बोट रिवॉल्व कर रही है तो इन दैट केस हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है टू टाइम्स ऑफ इसकी निकाल कर उसको टू टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है जीरो से पाई बाय फोर जीरो से पाई बाय फोर के बीच में एक कर्व लाई कर रही है उसी के लिए अबाउट तो इस तरीके से रिवोल्व करेगी ये अपने करो तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर टू बाय थ्री पाई आर क्यूब आर क्यूब रखेंगे तो हमारे पास आएगा ए क्यूब कॉस टू थीटा रेज टू थ्री बाई टू इन टू में साइन थीटा डी थीटा हो गया साइन थीटा डी थीटा हो गया राइट तो ये अपने पास करिए टू बाई थ्री पाई ए क्यूब बार आएगा तो हमारे पास आएगा पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं टू कोस के थीटा माइनस वन रेज टू पावर थ्री बाई टू इंटू में साइन थीटा डी थीटा गया यहाँ पर अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर हमने पुट कर लिया कि अंडर रूट टू कोस थीटा क्या है सी कैंड फाइव है राइट तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस के अंडर रूट टू साइन थीटा डी थीटा किसके को आएगा सी कैंड फाइव टेन फाइव डी फाइव आएगा राइट और इन दैट केस हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी अगर हमने ये सब्सिट्यूशन इसमें अप्लाई किया तो हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी कॉस जीरो डिग्री क्या होता है वन दैट मीन्स सी केंट फाइव की वैल्यू वन कहाँ हो कॉस जीरो डिग्री क्या होता है वन होता है रूट टू आ गया सी कैंड फाइव की वैल्यू रूट टू रूट टू कहाँ उतरी है पाई बाय फोर पर और पाई बाई फोर पर कॉस की वैल्यू क्या होती है वन डिवाइडेड बाई रूट टू कैंसिल करेगा तो वन और सी फाइव की वैल्यू वन कहाँ होगी जीरो डिग्री पर दैट मींस हमारा वॉल्यूम वी आ जाएगा वी इज ईक्वल टू ये वैल्यू इसमें पुट कर दी ये सभी वैल्यू तो हमारे पास आ जाता है वी इज इक्वल टू माइनस के फोर बाई थ्री पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई फोर टू जीरो सीकेंड स्केर फाइाव माइनस में वन टू थ्री बाई टू इन में सीकेंड फाइव टेन फाइव डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू इंटू में डी थीटा आ जाता है राइट right. ये आ गया तो सीकेंड स्केयर फाइव माइनस में वन को हम क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर फाइव माइनस वन जो हमारा सीकेंड स्केयर फाइव माइनस वन होता है उसे हम लिख सकते हैं टेन स्केयर फाइव आ जाएगा राइट right. ये रूट टू डिवाइड में था इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस के टू रूट टू बच जाएगा इसको कैंसिल कर देगा तो हमारे पास आ गया टेन फाइव रेज टू और थ्री बाई टू इंटू में secant कैंड फाइव टेन फाइव है तो ये क्या आ गया टेन क्यूब फाइव आ गया इंटू में टेन फाइव तो क्या हो जाएगा टेन रेज टू पावर फोर फाइव इंटू में secant कैंड फाइव डी फाइव आ गया अब हम क्या कर देते हैं लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो आगे माइनस साइन आएगा माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वी क्या आ जाएगा टू अंडरूट टू डिवाइडेड बाई थ्री फाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू फाई बाई फोर टेन रेज टू पावर फोर फाइव सी फाइव इंटू में डी फाइव आ जाता है राइट ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो यहाँ से हमारे पास हम टेन रेज टू पावर फोर फाइव को क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर फाइव माइनस में वन लिखा जा सकता है बाकी सब चीज़ सेम है सी टेन स्केर फाइव का स्केर लिख सकते हैं टेन स्केयर फाइव या सीकेंड स्केर फाइव माइनस वन उसका स्केर आ गया राइट इसका स्केयर ओपन कर देते हैं और सी एंड फाइव की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ गया सीकेंड रेज टू पावर फोर फाइव प्लस में वन माइनस एट ट्वाइस ऑफ सीकेंड स्क इंटू में सीकेंड फाइव डी फाइव है अब अगर हमने सीकेंड फाइव की मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आ गया वी इज इक्वल टू टू अंड्रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो तो टू फाइव बाय फोर सीकेंड रेज फॉर तो फाइव फाइव माइनस के ट्वाइस ऑफ सीकेंड क्यूब फाइव प्लस सीकेंड फाइव इंटू में डी फाइव अब हम इन अलग अलग टर्म के लिए इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा और डी फाई अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तुम्हारे पास वीज इक्वल टू टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर सीकेंट रू फॉर फाइव फाइव इंटू में डी फाई आ गया राइट माइनस फोर अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर सीकेंड क्यूब फाई इंटू में डी फाई आ गया प्लस टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर सीकेंड फाइव डी फाइव आ गया राइट इस इंटीग्रेशन को हमने आई एक्स नाम दे दिया इस इंटीग्रेशन को हम आई वाई और ये हमने आई जेड मान लिया और इस पूरी इक्वेशन इक्वेशन को हमने नंबर कर लेते हैं तो अब हम आई एक्स आई वाई और आई जेड की वैल्यू को निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है तो आइए उन्हें भी निकाल लेते हैं नाउ आई एक्स क्या था हमारा आई एक्स हमारा था जीरो टू फाइव फोर सीकेंड रेंट डी फाइव था तो हमें एक रिडक्शन फॉर्मूला पता है सीकेंड का दैट इज़ वो क्या होता है कि आई एन इज इक्वल टू सी केंड रेज टू पावर एन फाइव डी फाइव इज इक्वल टू सी केंट रेज टू पावर एन माइनस टू फाइव टे एन फाइव डिवाइडेड बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाय में एन माइनस वन आई एन माइनस टू राइट तो अगर हम लिमिट लगा देते हैं जीरो टू पाई बाई फोर तो ये वैल्यू क्या जाएगी इसके ऊपर भी हमारी लिमिट आएगी पाई बाई फोर तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है रूट टू रेज टू पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इंटू में आई एन माइनस टू इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा जाता है टू रेज टू पावर वन बाई टू होती है तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास है टू रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन कुछ ऐसा लिखा जा सकता है डिवाइड में एन माइनस वन है प्लस में एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन इंटू में एन मा आई एन माइनस टू आ जाता है राइट तो अब ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया इसी का यूज़ करते हुए हम सभी इंटीग्रल सोल्व कर सकते हैं तो हमारा आई एक्स क्या दे रखा है वो दे रखा है जीरो से फाइव बाई फोर सीकेंट रेज टू पावर फाइव ऑफ फाइव डी फाइव आ गया तो इसे कंपेयर करें तो अपने पास क्या आता है एन इज टू फाइव एन इज इक्ल टू फाइव अगर हम एन इज इक्वल टू फाइव अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा टू रेज टू फॉर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर इंटू में आई थ्री अब बात आ गई आई थ्री कैसे निकालें तो आई थ्री निकालना है तो एन इज इक्वल टू थ्री इसमें पुट कर दें क्योंकि आई थ्री आई एक्स इसको निकाल रहा है आई एन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आई एन इसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई थ्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेज टू पावर थ्री को रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें एन की जगह थ्री पुट कर दिया जाए तो हमारा आई थ्री आ जाता है आई थ्री इज्जल टू टू रेज टू पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू प्लस वन बाई टू ऑफ आई वन अब आई वन क्या होगा एन की जगह इसमें अगर वन पुट किया जाए तो आई वन इज टू इंटीग्रेशन की लिमिट हमें जीरो से फाइव बाई फोर सी कैंड फाइव डी फाइव होता है और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है लॉग सी कैंड फाइव प्लस में टेन फाइव होता है अपर लिमिट इसकी फाइव बाई फोर है और लोअर लिमिट अपने

टू ई वन है फिर आई वन की वैल्यू ये रही वो पुट कर दी तुम्हारे पास क्या आ गया लॉग अंडर रूट में वन आ गया तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास आ जाता है आई एक्स इज इक्वल टू टू रेस्ट पॉल थ्री बाई टू डिड बाई फोर प्लस थ्री इंटू टू रेज पॉवर वन बाई टू डिड बाई एट प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एट लॉग अंडर वन इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं राइट right? अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं दैट इज अपना आई वाई क्या होता है आई वाई अपना था वो था जीरो टू पाइव फोर सीकेंड क्यूब फाइव राइट तो आई थ्री है ये आई थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है आई थ्री को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है एन इज इक्वल टू थ्री है इसमें तो आई थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई थ्री की वैल्यू ये रही टू रेज टू फॉर वन बाई टू डिड बाई टू प्लस वन दिवैद दिवैद वन डिवाइडेड बाई टू इंटू में आई वन और आई वन की वैल्यू ये वो पुट कर देंगे तो हमारे पास आता था है टू टू पॉल वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू लॉग अंडर वन ये हमारी इक्वेशन नंबर थ्री बना लेते हैं नेक्स्ट अपना आता है दैट इज आई जेड आई जेड था इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू फाइव बाई फोर सी फाइव डी फाइव और ये अपना आई वन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई वन की डायरेक्ट वैल्यू रख दी हमारे पास क्या हो गया लॉग अंडर वन इसको हमने इक्वेशन नंबर फोर बना लेते हैं तो हमारे पास आई एक्स की आई वाई की और आई जेड की तीनों वैल्यू अपने पास आ जाती हैं ये तीनों वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं तो इक्वेशन वन में आई एक्स आई वाई और आई जेड की अगर हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ जाता है दैट इज वी इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब इंटू में आई एक्स की वैल्यू ये रही माइनस के फोर अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब आई वाई की वैल्यू पुट कर दी प्लस टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब आई जेड की वैल्यू पुट कर दी तो इनमें देखा जाए तो टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर तो सिर्फ ये बचेगा लेकिन यहां पर माइनस टू बचेगा तो माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट और यहां पर सिर्फ ये लोग अंडर रूट टू प्लस बचेगा तो हमने कॉमन क्या ले लिया थ्रू आउट द इक्वेशन हमने टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस इन टू में पाई ए क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो आइए उसे कॉमन लेके डायरेक्ट लिख लेते हैं टू रूट टू पाई ए क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री कॉमन लेने के बाद में अपने पास क्या बच जाता है आई एक्स तो सेम बच जाता है और वहाँ पर आई वाई में माइनस टू की मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारे पास आता है माइनस टू रेस्ट फॉर वन बाई टू माइनस के लोग अंडर रूट टू प्लस वन और आई जेड हमारा सेम बच जाता है लोग अंडर रूट टू प्लस वन बच जाता है राइट उसमें से टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाइए क्यूब कॉमन लेने पर तो यहाँ पर देखा जाए ये दोनों टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ ये टर्म बच जाएंगी राइट यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अंडर रूट टू की अंडर रूट टू है टू अंडर रूट टू टू अंडर रूट टू की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच गया पाई ए क्यू टू अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई करती तो हमारे पास यहाँ पर अपने पास टू आएगा प्लस यहाँ से अपने पास सिक्स बाई फोर आएगा और यहाँ से हमारे पास माइनस का फोर आएगा प्लस थ्री अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई फोर इंटू में लॉग अंडर रूट टू प्लस वन आ जाता दिवा� है राइट इसे अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस के वन बाई टू प्लस थ्री अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय फोर लॉग अंडर रूट टू प्लस वन आ जाता है यहाँ पर अगर हम थ्रू आउट द इक्वेशन फोर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है वी इज इक्वल टू पाई ए क्यू डिवाइडेड बाई में ट्वेल्व इंटू में क्या गया थ्री अंडर रूट टू लॉग अंडर रूट टू प्लस में वन माइनस में टू ये हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है जब हमारा लेमनी स्केट है वो इनिशियल लाइन के अबाउट रिवोल करता है सेकेंड केस अब कंसिडर करते हैं जब वो हमारा पाई बाई टू लाइन के अबाउट रिवोल करता है अब कंसिडर करते हैं सेकंड केस जहां पर हमारा जो लेमनी स्केट है वो थिट्टा इज टू पाई बाई टू लाइन के वोट रिवोल कर तो ये हमारा लेमनी स्केट है ये ऐसे थिट्टा इज टू पाई बाई टू लाइन के वोट रिवोल कर रहा है तो ज़ीरो से पाई बाई फोर की लिमिट के बीच में जितना ये इनिशियल लाइन के ऊपर वाली करो इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है इनिशियल लाइन के ऊपर वाली करो जो वॉल्यूम उसका होगा सेम उतना ही करो जो करो इनिशियल लाइन के नीचे लाइक करिए वो रिवॉल्व कर रही है उतना जनरेट करेगी दैट मीन्स ऊपर वाली का निकाल कर जीरो से पाई बाई फोर की लिमिट के बीच में उसको टू टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाता है तो हमारे पास आ जाता है रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ टू पाई बाई थ्री आर क्यूब होता है आर क्यूब ए क्यूब कोस टू थीटा रेज टू पावर थ्री बाय टू और जब पाई बाई टू लाइन के वोट रिवॉल्व करता है तो साइन थीट्टा की जगह अपने पास क्या आता है कोस थीट्टा आ जाता है इंटू में डी थी और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है जीरो से पाई बाय फोर की लिमिट के बीच में राइट तो आइए इसे सोल्व करते हैं तुम्हारे पास क्या है? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जाता है फोर डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय फोर इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू थीटा वन माइनस में टू साइंस के थीटा रेस्ट टू और थ्री बाई टू इंटू में साइन थी कॉस थीटा डी थीटा गया तो यहाँ पर रूट टू साइन थीट को हम क्या पुट कर रहे हैं साइन फाइव पुट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडरूट टू कॉस थीट डी थीटा इज इक्ल टू कोस फाइव डी फाइव आएगा ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है वी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री क्यूब सेम था जीरो डिग्री देखते हैं साइन जीरो डिग्री पर जीरो होता है दैट मीन्स साइन फाइव के केस के में भी लिमिट जीरो रहेगी पाई बाय फोर पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है वन डिवाइडेड बाय रूट टू साइन फाइव की वैल्यू वन कहाँ होगी पाई बाय टू पर दैट मीन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आगे जीरो से पाई बाय टू राइट और इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है कोस क्यूब फाइव इंटू में कोस फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू इंटू में डी फाइव आ गया तो कोस क्यूब फाइव इंटू में कोस फाइव किसके इक्वल होता है वी इज इक्वल टू हम टू अंडर रूट टू इसको कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब इंटू में इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू कोर्स रेज टू पावर फोर फाइव इंटू में डी फाइव आ गया तो अब हम यहाँ पर अगर वैलीज़ फार्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर अगर हमने वैलीज फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वी इज इक्वल टू टू अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब है इसके लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसकी आएगी थ्री बाय फोर इंटू वन बाय टू इंटू जाता है वो पाई बाय टू लाइन के अबाउट रिवोल करती है नेक्स्ट केस देखते हैं अगर हमारी टेंजेंट एट दी पोल रिवोल करता है तब थर्ड पॉइंट आता है जब ये हमारी करव टेंजेंट एट पोल के अबाउट रिवॉल्व करती है तो ये हमारी करो है इसके ऊपर थिट्टा इज इक्ल टू फाइव बाई फोर और थिटा इज इक्ल टू माइनस फाइव बाई फोर तो इसके अबाउट हम कर लेते हैं कि वो थिट्टा इज इक्ल टू माइनस फाइव बाई फोर के अबाउट कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो जितनी इस कर्व की वो इस लूप की जो वॉल्यूम होगी सेम उतनी ही वॉल्यूम ये लूप भी जनरेट की दैट मींस इसका निकाल कर उसको टू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आएगी और लिमिट क्या है माइनस के पाई बाय फोर से प्लस के पाई बाई फोर के बीच में ये करो अपनी लाई कर है तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है टू टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर टू बाई थ्री टाइम पाई आर क्यूब आर क्यूब लिखेंगे तो क्या ए क्यूब कॉस टू थीटा डेज टू थ्री बाई टू इन टू में अगर किसी लाइन थीटा इज इक्वल टू गामा के अबाउट रिवॉल्व करता है इन दैट केस अगर हमारी इनिशियल लाइन होती तो हम डायरेक्ट लिखते थे साइन ऑफ ए थीटा राइट right. अगर थिट्टा इज टू गामा के अबाउट रिवोल्व करता है तो हम लिखते हैं साइन ऑफ थिट्टा माइनस में गामा रिवोल्व करते हैं राइट और ये रिवोल्व किसके अबाउट कर रहा है माइनस पाई बाय फोर के अबाउट तो हमारा क्या आएगा साइन थिट्टा प्लस पाई बाय फोर आ गया इंटू में डी थीट आ गया तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है? फोर बाय थ्री पाई क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कॉस टू थीटा रेज टू कॉ थ्री बाय टू साइन एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई आएगा इंटू में डी थीटा आ जाता है तो इसे अगर सोल्व किया जाए कॉस पाई बाई फोर क्या था वन डिवाइडेड बाय रूट टू साइन पाई बाई फोर वन डिवाइडेड बाय रूट टू वन डिवाइडेड बाय रूट टू थ्रू आउट द इक्वेशन कॉमन लेंगे तो हमारा रूट टू इसको कैंसिल करेगा तो हमारे पास आ जाता है टू अंडर रूट टू बचेगा डिवाइडेड बाय थ्री पाई ए इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस फाइव बाई फोर से प्लस के पाई बाई फोर कॉस टू थीटा रेज टू थ्री बाई टू यहाँ पर क्या बच गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माई डी थीटा है राइट तो ये हमारे पास आ जाता है वी इज इक्वल टू टू अंड्रूट टू डिवाइडेड बाय थ्री पाई ए क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस फाइव बाई से प्लस फाइव बाई इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cos टू थीटा रेज टू बॉ थ्री बाई टू इंटू में साइन थीटा डी थीटा प्लस अलग अलग इंटीग्रेशन करने पर माइनस के पाई बाई से के पाई 4 cos 2 थीटा रेज टू बोथ 3 बाय टू इंटू में कॉस थीट गया ये अपना क्या है एक ओड फंक्शन आ रहा है ओड फंक्शन आ रहा है दैट मींस इसकी वैल्यू तो अपनी क्या आनी है जीरो आनी ही है इसकी वैल्यू अपनी जीरो गई तो सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम वी इज इक्वल टू टू अंड्रू टू डिडेड बाई थ्री पाई ए क्यूब इसकी वैल्यू जीरो और ये क्या आ जाएगा माइनस फाइव बाई फोर से प्लस फाइव बाई फोर के बीच में लिमिट है तो टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो से पाई बाई फोर के बीच में लिमिट लगाई जा सकती है डेफिनेट इंटीग्रेटेड की एक प्रॉपर्टी होती है तो टू टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई वाई फोर कॉस टू थीटा रेज टू पावर थ्री बाई टू इंटू में कॉस थीटा इंटू में डी थीटा आ जाता है तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है

राइट right. ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी तो हमने जो ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम सेकेंड केस में निकाला था तो हमारा ये सेम यही थी राइट right. इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो राइट right. क्या ये दोनों सेम नहीं है ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है तो इन दैट केस इसकी जो वैल्यू आई थी सेम वही वैल्यू इसकी भी होगी और इस केस में इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी पाई स्केयर ए क्यूब डिवाइडेड बाई फोर रूट टू आई थी और यहाँ पर रूट टू मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई पाई स्केयर ए क्यूब डिवाइडेड बाई रूट फोर तो ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है जब वो टेंजेंट एट दी पोल के अबाउट हमारी करो रिवॉल करती है थैंक यू